वसई रोड रेलवे का फुट ओवर ब्रिज कर रही है मुंबई सीएसटी ब्रिज के हादसे जैसा इंतजार। ब्रिज पूरी तरह हो गई है जर्जर, गिरने के कगार पर है। पश्चिम रेलवे के वसई रेलवे स्टेशन के पूर्व और पश्चिम की ओर जाने वाला फुट ओवर ब्रिज कई सालों पुरानी हो चुकी है। इस पुल की हालत एकदम जर्जर है। इस पुल के स्लेप और कंक्रीट गिर रहे हैं और अंदर के लोहे के सलिया और दरार दिखाई दे रहा है। इस पुल से रोज हजारों यात्री आते जाते हैं, यहाँ तक कि जब लोकल ट्रेन आती है तो पुल हिलने लगता है, मानो अभी गिर ही जाएगा। यात्रियों में भर का माहौल बना हुआ है। यात्री बताते हैं कि हम रोज इस फुट ओवर ब्रिज से आते जाते हैं, पर हमेशा डर बना रहता है कि कहीं ये पुल कब न गिर जाए। सरकार और रेलवे प्रशासन को इस पुल पर भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो एक दिन मुंबई सीएसटी जैसा हादसा हो सकता है। अगर दुर्घटना हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सब एक दूसरे पर उंगली उठाएंगे, पर जो व्यक्ति जख्मी हो, जिसकी मौत होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ पर मेल भी ट्रेन रुकती है और बाहर गांव के यात्री भी आते जाते रहते हैं। है इस ब्रिज से रोज आ रहे जा रहे हैं, क्या स्थिति है इस ब्रिज की? ये स्थिति ऐसी है, समझो एक दो ट्रेन आती है तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, भीड़ हो सकती है। और ये ब्रिज इतना कमज़ोर हो चुका है कि कभी भी गिरने का चांस हो सकता है। तो पंकज जी, आप इस पुल से रोज आते हैं? मैं रोज आता जाता हूँ, मेरा काम यहीं पे है, वसई में है। क्या स्थिति है इस पुल की, क्या लगता है आपको, सरकार ने कितनी तरह से ध्यान देना चाहिए इस पुल को? सरकार ने ध्यान तो देना ही चाहिए, और पुल काफ़ी पुराना हो चुका है, तो इसकी वजह से है कि लोग काफ़ी दिन में, आप देखो सुबह शाम यहाँ पे कंटिन्यूस पब्लिक चलती रहती है, आते जाते रहते हैं, तो इस हालत में कंप्लीट इसका जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो चुका है। और पुल के अंदर आप देख सकते हो कि काफ़ी सारा कंक्रीट निकल गया है और लोखंड के जो पार्ट है वो भी ख़राब हो चुके हैं, तो उसके लिए जल्द से जल्द उसको दुरुस्त करके, और सरकार अपना काम कर रही है, ऑडिट भी कर रही है काफ़ी सारे जगह पर। पिछले साल हमने देखा कि पुल के एक्सीडेंट होते हैं और लोग मृत्यु मर जाते हैं, तो सरकार से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पुल का हम लोग दुरुस्त करके उसको पब्लिक के हैंड ओवर करना चाहिए, जिस ताकि आने जाने में लोगों को आसानी रहे।